हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आ चुके हैं आज हम एक और नई फ़ोटो एडिटिंग के साथ। सबसे पहले हम अपना फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं जो हमें एडिट करना है, उसके बाद हम इसको शेयर करते हैं अपने लाइटरूम ऐप में। यहां से हम इसको लाइटरूम ऐप में शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, आपका एक बार में नहीं होगा तो हम इसको दो बार शेयर कर लेते हैं। और यहाँ से हम अपने लाइटरूम ऐप को खोलते हैं और हम अपना पहले तो प्रेसेट ओपन कर लेते हैं दोस्तों, जो हमें फ़ोटो पर अप्लाई करना है। तो हमारा प्रेसेट ये रहा। सिंपली हम थ्री डॉट पर जा करके अपने प्रेसेट को यहाँ कॉपी सेटिंग करके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपने रियल फ़ोटो पर। सिंपली पहले आप सब देख लीजिए इसको कॉपी सेटिंग कैसे की जाता है। यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेंगे आप और उसके बाद चलेंगे अपने रियल फ़ोटो पर और इसको पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं एक ही क्लिक में हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है। तो अभी हम इसको और अच्छा बनाने के लिए यहाँ से इसको शेयर कर लेंगे थोड़ा ब्लर देने के लिए अपने फ़ोटो रूम ऐप में। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ से शेयर टू करके यहाँ से हम इसको अपने फ़ोटो रूम ऐप में शेयर कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं और अपना ब्लर वाले ऑप्शन पे चल करके थोड़ा सा और नीचे आते हैं, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा नीचे अपने सेकंड वाले ब्लर ऑप्शन पर, गसन ब्लर पर यहाँ पे चलेंगे और इसके ब्लर अमाउंट को हम 10 रखेंगे। और फिर से हम जाएंगे एडजस्ट पे और वहाँ एडजस्ट पर जा करके हम इसके ब्लर अमाउंट का सेचुरेशन 100 कर देंगे और सिंपली यहाँ से हम इसको ऊपर सेव वाले आइकन पे क्लिक करके हम इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे अपने गैलरी में। हमारी फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुकी है और यहाँ से हम गैलरी ओपन करते हैं। गैलरी ओपन करने के बाद हम अपने ब्लर किए हुए फ़ोटो को लेते हैं और उसको पिक्सआर्ट में शेयर करते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे करिएगा, तभी आपकी फ़ोटो मेरे जैसे एडिट हो पाएगी। उसके बाद हम चलते हैं ऐड फ़ोटो पर और जो हमने अपने रियल फ़ोटो पर प्रेसेट मारी थी उसको हम लेते हैं और यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं, जहाँ जहाँ पे इरेज वाले पे नहीं, हम रिस्टोर करते हैं इसको। यहाँ से हम जहाँ जहाँ हमें ब्लर नहीं चाहिए वहाँ पे हम रिस्टोर कर देंगे इसको, जिससे हमारा बैकग्राउंड ब्लर और नॉन बैकग्राउंड मैच हो सके। और यहाँ पे हम कर चुके हैं रिस्टोर, हमारा फोटो सही लग रहा है। अभी हम यहाँ से इसको राइट करते हैं और हम फिर से एक बार राइट करते हैं। और यहाँ से राइट करने के बाद हम चलेंगे टूल्स वाले ऑप्शन पर। आप लोग देख ही सकते हैं सिंपली टूल्स वाले ऑप्शन पर चल करके हम चलते हैं क्रॉप वाले ऑप्शन पर। आप चाहें तो अपना फ़ोटो नहीं क्रॉप कर सकते हैं, पर हमारा फ़ोटो थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है तो हम इसको क्रॉप करते हैं। आप अपने हिसाब से क्रॉप करिएगा फ़ोटो के हिसाब से। हमने अपने फ़ोटो को क्रॉप कर लिया है। उसके बाद फिर से हम चलते हैं टूल्स वाले आइकन पर और टूल्स वाले पे जा करके हम अपने चलते हैं स्ट्रेच वाले ऑप्शन पर और यहाँ से स्ट्रेच करते हैं। और इसकी वार्प सेटिंग को आप देख ही सकते हैं, इसके वार्प सेटिंग के पावर को हम रखेंगे 10 और साइज़ को आप अपने हिसाब से रखिएगा अपने फ़ोटो के हिसाब से। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको जल्दी जल्दी से इसके हेयर एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोग आराम आराम से करिएगा। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं।
आप लोग आराम आराम से करिएगा, तभी आप हमारे जैसा कर पाएंगे। उसके बाद हम अपना यहाँ से कंप्लीट करके इसको सेव करते हैं और यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्ट ड्रा वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हम अपने फ़ोटो को गैलरी में सेव कर लेते हैं। यहाँ से हमारी फ़ोटो गैलरी में सेव हो गई है। अब हम गैलरी ओपन करते हैं और अपने फ़ोटो को शेयर करते हैं स्केचबुक ऐप में। यहाँ से हम अपने पुराने फ़ोटो को डिस्कार्ड करते हैं और आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम ब्रश वाले टूल पर जाएंगे और हम नीचे जाएंगे, स्मज वाले कैटेगरी को चूज करेंगे और यहाँ से सातवें नंबर वाले ब्रश को हम चूज करते हैं और आप इसकी सेटिंग को देख ही सकते हो। फ्लो को 3 रखेंगे, स्ट्रेंथ को 13 रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो रोक करके। और हम यहाँ से जल्दी जल्दी अपने फ़ोटो को स्मूथ कर लेते हैं। आप लोग आराम से करिएगा, नहीं तो आपका फ़ोटो अच्छे से नहीं एडिट हो पाएगा, हमारे जैसा फेस स्मूथ नहीं हो पाएगा। हम जल्दी जल्दी से अपना फ़ोटो स्मूथ कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सब बोर होने लगेंगे वीडियो देखते टाइम। तो दोस्तों हमारा फ़ोटो ऑलरेडी स्मूथ हो चुका है। अब हम अपने फ़ोटो पर एक टेक्स्ट PNG ऐड करते हैं। हमें PNG कैसे ऐड करना है और कहां से ऐड करना है सब कुछ आपको दिख ही रहा है, तो आप बने रहिए वीडियो में और फुल वॉच कीजिए। ये रही हमारी PNG। उसके बाद हम लेयर पर जा करके इसके ब्लेंडिंग मोड को जो यहाँ नॉर्मल दिख रहा है इसको स्क्रीन कर देंगे। आप लोग देख ही रहेंगे रेड कलर का मार्क हम कर रहे हैं वहाँ पे। तो स्क्रीन करने के बाद हमारा देख ही सकते हैं कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा। और अब हम इसको शेयर करते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करके हम इसको सेव करते हैं। यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने गैलरी में और यहाँ से हम उस फोटो को जिसको हमने स्मूथ किया है इसके थ्रू में ले जाकर अब उसको हम शेयर करते हैं Lightroom में। एक बार में नहीं होगा दोस्तों, हमें दो बार शेयर करना होगा और सिंपली हमने शेयर कर लिया है Lightroom ऐप में। अब हम चलेंगे कलर्स वाले ऑप्शन पर। आप एरो का मार्क देखते रहिएगा। उसके बाद चलेंगे मिक्स वाले टूल पर और मिक्स पर जा करके इस एक्वा कलर के सेचुरेशन को फुल कर देंगे और ह्यू को इसको पूरा माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर जाएंगे ग्रीन वाले कलर पे, इसका भी सेचुरेशन पूरा फुल कर देंगे। उसके बाद जाएंगे हम ब्लू वाले कलर पे, इसका भी सेचुरेशन हम फुल कर देते हैं और इसके ह्यू को हम माइनस कर देते हैं फुल। और आप देख ही सकते हैं हमारा फ़ोटो कंप्लीट एडिट हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।